हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं हमारे नए सेक्शन की जो है हाइपर पैराथायरायडिज्म। अब हाइपर पैराथायरायडिज्म जो है मेनली दो कॉजेस से हो सकता है, मींस दो टाइप का होता है। वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरथायरायडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरायडिज्म मींस जो कॉज है हाइपरथायरायडिज्म का, जो कॉज है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट है। मींस कोई ना कोई ऐसी डिजीज है या कोई ना कोई ऐसा कैंसर है या ट्यूमर है या कोई सिस्ट है जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को इंड्यूस कर रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट करने को। मींस कॉज जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट है। कॉज इन इटसेल्फ, ठीक है, कॉज जो है वो उसके अंदर ही प्रेजेंट है। पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही कोई ना कोई कॉज प्रेजेंट है जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता जा रहा है। उसका कोई वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो सीक्रेट होता जा रहा है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज जो है प्राइमरी हाइपरथायरायडिज्म का, दैट इज पैराथायरॉइड एडिनोमा, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज। अगर हम सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म की बात करें, सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म मींस किसी और चीज की वजह से, किसी और मिनरल्स की वजह से, किसी और डिजीज की वजह से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है पैराथायरॉइड ग्लैंड पर, ताकि पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। किसी और डिजीज, कोई और सिस्टमिक डिजीज की वजह से, कोई मिनरल की कमी की वजह से, कोई कहीं भी कोई ना कोई डिजीज की वजह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है पैराथायरॉइड ग्लैंड पर, जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। मींस ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा पैराथायरॉइड ग्लैंड पर, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है कोई ना कोई और डिजीज की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरायडिज्म। और ये किस किस से हो सकता है, विटामिन डी से हो सकता है, कैल्शियम की वजह से हो सकता है, लीवर की वजह से हो सकता है, या किडनी प्रॉब्लम या रिनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। मींस अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूस करती है किसको, पैराथायरॉइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है। लीवर एंड रिनल की वजह से, रिनल क्यों, क्योंकि रिनल भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन में, ठीक है। और रिनल और विटामिन, रिनल और लीवर के अंदर विटामिन डी के मेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम क्या क्या फंक्शन है पैराथायरॉइड ग्लैंड के, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड का मेन काम क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन का सीक्रेट करना। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होता था वो कहाँ कहाँ पर जाकर फंक्शन करता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, उसके मेन तीन फंक्शन होते हैं और वो तीन जगह जाके एक्ट करता है, किडनी, किडनी एंड बोन। किडनी में जाके ये क्या करेगा, वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो रिसेप्टर्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से विटामिन डी के रिसेप्टर्स जो है, विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे विटामिन डी एक्टिवेट होंगे तो वो गट के अंदर से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देंगे, वो गट के अंदर से, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर से विटामिन सी का रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, जैसा ही पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होगा तो वो किडनी के अंदर जाएगा और वो किडनी के अंदर अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो विटामिन डी के रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करेंगे, और विटामिन डी के रिसेप्टर्स जो है जहाँ भी प्रेजेंट है, मेनली प्रेजेंट होते हैं गट के अंदर, स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पर वो रीअब्सॉर्प्शन करेंगे किसका, कैल्शियम का। और जैसे ही कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा तो जो आपकी कंडीशन है कैल्शियम डिक्रीज की, वो वापस मेंटेन हो जाएगी। फर्स्ट सीन। सेकेंड सीन हम बात करें मेनली सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म की। सेकेंड सीन क्या होगा, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ता है किसी भी सेकेंडरी कॉज की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, तो क्या होगा, किडनी जो है उसका वो क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी कैल्शियम को। कैल्शियम किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्टर करना, जो चीज इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए उसको रीअब्सॉर्ब करना, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सीक्रेट करना। तो कैल्शियम किडनी क्या करेगी, कैल्शियम का रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, और साथ साथ में इसके बदले में उसको पोटेशियम को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, इसके बदले में उसको पोटेशियम को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो सेकंड फंक्शन क्या है जिसकी वजह से हम कैल्शियम को वापस नॉर्मल कर सकते हैं, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो कि किडनी खुद करेगी। थर्ड फंक्शन क्या है कि बोन जो है मेन स्टोरेज होता है कैल्शियम का, तो बोन का रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किसको, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जैसे ही एक्टिवेट होगी वो रैंक लाइगेंड की वजह से, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का लाइगेंड होता है उसको बोलते हैं रैंक लाइगेंड। रैंक लाइगेंड जो होता है वो एक्टिवेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगी, बोन का रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही बोन का रिजॉर्प्शन होगा वैसे ही बोन का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कौन से मार्कर्स बढ़ते हुए दिखेंगे बोन के अंदर, ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज मार्कर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे बोन के अंदर। और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जैसे जैसे बोन का रिजॉर्प्शन होगा वैसे वैसे ही कैल्शियम का लेवल वापस ब्लड के अंदर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस है जिनकी वजह से हम कैल्शियम का लेवल को वापस मेंटेन कर सकते हैं बॉडी के अंदर।
ये तीन प्रोसेस हैं जो जिसकी वजह से हम कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं बॉडी के अंदर। मेनली कैल्शियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। अगर जब भी कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कैल्शियम के लेवल को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इन तीन प्रोसेस की वजह से हम कैल्शियम को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन सपोज करो, अगर कंडीशन ये है कि किसी को भी अगर क्रोनिक डिजीज है, किसी को भी क्रोनिक रिनल डिजीज है, क्रोनिक रिनल फेलियर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिनल के फंक्शन स्टॉप हो गए। अब रिनल के दो फंक्शन कौन कौन से थे, पहला फंक्शन था उसका जो विटामिन डी है उसको एक्टिवेट करना, और दूसरा उसका फंक्शन था कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करना, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करना। अब ये दोनों ही फंक्शन जो है वो स्टॉप हो गए, क्योंकि जो रीनल है, जो किडनी है, वो फंक्शनेबल नहीं है, किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, किडनी की में कोई ना कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसके फंक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब किडनी के मेनली दो फंक्शन थे, एक था विटामिन डी को एक्टिवेट करना अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से, और दूसरा था कैल्शियम को डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब करना पोटेशियम के एक्सचेंज में। तो ये दोनों ही फंक्शन जो है उसके स्टॉप हो गए। अब ये दोनों ही फंक्शन उसके स्टॉप हो गए तो सिर्फ अब बॉडी के पास सिर्फ एक ही फंक्शन बचा है कैल्शियम को वापस रीअब्सॉर्ब करने के लिए, दैट इज बोन। तो इस कंडीशन में बोन का रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा, बोन का रिजॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बोन का रिजॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्पेशल कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी, रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। अब रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, दो चीजें दिखेगी आपको। ठीक है, ये नॉर्मल सेकेंडरी कंडीशन है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म, और ये सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है जो कि रीनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। हमने सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म की बात की थी लाइक रिकेट्स और मोस्टोमलेसिया डिजीज में, तो उसमें क्या हो रहा था, चार फीचर्स हमने बात की थी लेफ्ट फाइंडिंग्स में, जिसको मैंने बोला था कि वो लेफ्ट फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे डिफ्रेंशिएट करने में दूसरी डिजीज को। कैल्शियम की कमी हो रही थी फर्स्ट थिंग, जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन क्या था, इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड थिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा था, और बोन की रिजॉर्प्शन के बाद बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था, और बोन के फॉर्मेशन में हमें स्पेशल मार्कर कौन सा दिख रहा था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो भी इंक्रीज हो रहा था। और फोर्थ थिंग, पोटेशियम का लाइक पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा था, जिसकी वजह से पोटेशियम की क्वांटिटी जो है वो ब्लड के अंदर कम हो रही थी, डिक्रीज पोटेशियम। ठीक है, ये चार लेफ्ट फाइंडिंग्स है जो कि हमने नॉर्मल सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिले, जो कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया में देखे हमने। ठीक है, उसमें कोई भी रिनल डिजीज नहीं थी, बट अब क्या है, ये भी सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है, कैल्शियम की कमी है बॉडी के अंदर, साथ साथ में रिनल फेलियर भी है। कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, साथ साथ में रिनल फेलियर भी है। तो कैल्शियम की कमी वजह से क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट कर जाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर हमने क्या देखी, कैल्शियम जो था वो डिक्रीज था। सेकंड थिंग हमने लेफ्ट फाइंडिंग में क्या देखी इसमें, कि इसकी वजह से क्या हुआ, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो सेक्रेट होना स्टार्ट हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या देखी कि यहाँ पर किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो दो फंक्शन जो मेन किडनी के वो दोनों स्टॉप हो चुके हैं। जब दोनों ही फंक्शन किडनी के स्टॉप हो चुके हैं तो किडनी कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगी, जब किडनी कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगी तो वो उसके एक्सचेंज में पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकालेगी, तो पोटेशियम की क्वांटिटी क्या है, बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाएगी। मीन्स हमें यहाँ पे पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा दिखेगा। साथ साथ में अगर हम बात करें तो वही बोन का रिजॉर्प्शन होगा और बोन की फॉर्मेशन मार्कर दिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी हमें ब्लड के अंदर दिखेगा। ठीक है, दोनों सेम कंडीशन है, दोनों ही सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है, बस ये नॉर्मल सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है और ये सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म विद रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किससे, फॉस्फेट से। तो अगर कोई भी लेफ्ट फाइंडिंग में आपको ये चारों लेफ्ट फाइंडिंग दिखे और अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सी रीनल डिस्ट्रॉफी या सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म और कौन सी सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है नॉर्मल, दैट इज फॉस्फेट, एक में फॉस्फेट की क्वांटिटी बहुत कम दिखेगी, एक में फॉस्फेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं, दैट इज प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म। साथ साथ में हम बात करें इसके अंदर जो कि हमने बात की रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में क्या होगा, आपके पास रीनल लाइक किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो किडनी का जो कैल्शियम को वापस रीअब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, साथ साथ में विटामिन डी को एक्टिवेट करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, मीन्स बंद हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ अब एक ही फंक्शन है जो कि कैल्शियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर सकता है, दैट इज बोन्स। तो बोन्स के अंदर डिस्ट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर एक स्पेशल फीचर दिखेगा स्पाइन के अंदर, इसको बोलते हैं हम रगर जर्सी स्पाइन,
रगर, जर्सी स्पाइन, ये एक स्पेशल टाइप की स्पाइन होती है। लाइक ये अगर आपकी वर्टिब्रा है, ये आपकी सारी वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा क्या होगी, सेंट्रल पार्ट से रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रली वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ पेरिफेरी उसकी पेरिफेरल एरिया में ही उसके पास मिनरलाइजेशन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रगर, जर्सी, स्पाइन। इन सबकी इमेजेस, एक्सरे बेस्ड इमेजेस हम देखेंगे बाद में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फीचर, रगर, जर्सी, स्पाइन। थर्ड कंडीशन हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म में। प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, बोन, लाइक हमने बात की रीनल डिस्ट्रोफी की, रीनल डिस्ट्रोफी में हमने क्या बात की, रीनल डिस्ट्रोफी जो थी उसमें सिर्फ अब एक ही कंडीशन बाकी रह गई है, दैट इज बोन्स। बोन्स की वजह से बोन्स का रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, बोन का रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोन का रिजॉर्प्शन जो है वो हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म में या फिर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में। हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की बात करें तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में हमें जो कंडीशन है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, वो इफेक्ट करेगा कहाँ पर, स्कल पर, ठीक है, वो इफेक्ट करेगा कहाँ पर, टीथ पर, वो इफेक्ट करेगा कहां पर, बोन पर, जिसके हमने बात कर ली, स्पाइन, रगर, जर्सी, स्पाइन, और वो साथ साथ में इफेक्ट करेगा कहां पर, फेलिंजेस पर, ठीक है। अगर हम स्कल की बात करें तो एक स्पेसिफिक टाइप का स्कल आपको शो करेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, पेपर पॉट स्कल, पेपर पॉट स्कल या सॉल्ट पेपर स्कल, सॉल्ट पेपर स्कल, ठीक है। ये स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है एक्सरे के अंदर, जिसमें जो स्कल है वो टोटली व्हाइटिश दिखता है अगर नॉर्मली होता है। अगर हम नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो जो स्कल होता है वो टोटली व्हाइटिश दिखता है, बट इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्कल होता है टोटली व्हाइटिश होता है और साथ साथ में आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट ब्लैक ब्लैक डॉट्स शो होता है। तो आपको इस तरीके से इमेज होती है कि बिल्कुल व्हाइट सॉल्ट का ग्राउंड है, उसमें आपने ब्लैक पेपर को स्प्रिंगल कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर स्कल या पेपर पॉट स्कल। अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ के अंदर जो टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम लेमिनेट ड्यूरा, तो उसकी डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, लेमिना ड्यूरा डेफिशिएंसी या लेमिना ड्यूरा खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, टीथ जो होते हैं बहुत लूजिंग हो जाते हैं, टीथ जो होते हैं वो बहुत लूजिंग कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड फाइंडिंग हम बात करें फेलिंजेस के अंदर, तो फेलिंजेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस, सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस। अब इसका भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस है वो आपको कौन सी साइड में ज्यादा दिखता है, ये मेनली कौन सी साइड को इफेक्ट करता है, दैट इज रेडियल साइड। जो सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस है जो कि प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है वो आपको हमेशा रेडियल साइड में ज्यादा दिखेंगे। जो ये आपका हाथ है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियल साइड है, तो इस साइड में आपको सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस दिखेंगे, सिर्फ ओनली रेडियल साइड में आपको सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस शो करेंगे, ठीक है। एक्सरे के अंदर आपको सिर्फ रेडियल साइड में ही सब पेरिओस्टियल हेमरेजेस शो करेंगे। अगर हम बोन की बात करें, एक स्पेशल फीचर तो हमने बात कर ली बोन में, दैट इज रगर, जर्सी, स्पाइन। अगर हम बोन की स्पेसिफिकली और बात करें तो क्या होगा, लाइक ये आपकी बोन है, ठीक है। अब बोन के किसी भी एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, नॉट कैल्सिफिकेशन, रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक होल सा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा रिजॉर्प्शन हो गया, इसको हमने क्या बोला, सिस्ट, ठीक है। इस सिस्ट के अंदर क्या हुआ, यहां पर बोन के आसपास क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो उस कैविटी के अंदर क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, उस कैविटी के अंदर क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, हेमरेज होना स्टार्ट हो गया, ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो ब्लड जो है एक टाइप का ब्लडी सिस्ट में कन्वर्ट हो गया, वो बोन का जो एक एरिया है वो ब्लडी सिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और वो ब्लडी सिस्ट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। जब तक इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तब तक ये रेड कलर का है, बाद में ये हीमोग्लोबिन जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीमोसिडेरिन में, हीमोसिडेरिन। और हमें पता है कि हीमोसिडेरिन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, हमें पता है कि हीमोसिडेरिन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बोन के किसी भी एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा रिजॉर्प्शन हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर एक कैविटी फॉर्म हो गई है, उस कैविटी के अंदर बहुत सारा ब्लड आके एक्युमुलेट हो गया, इसको हमने क्या बोला, ब्लडी सिस्ट। वो ब्लडी सिस्ट जो है वो रेड कलर का, क्योंकि अभी हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है, कुछ टाइम बाद हीमोग्लोबिन डेड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हीमोसिडेरिन के अंदर, जिसको हम क्या, जो कि कौन सा कलर का होता है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल है, एक्टिव है, लिविंग स्टेज में, तो वो रेड कलर का है, बट अगर वो हीमोसिडेरिन में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्राउन कलर का है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्राउन सिस्ट और ब्राउन ट्यूमर। ब्राउन ट्यूमर, क्या ये ट्यूमर है, नहीं,
ये ट्यूमर नहीं है, ये सिस्ट है, बट इसको बोला क्या जाता है, ब्राउन ट्यूमर। इसका एक और नेम है जिसको बोलते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, एक और नेम इसका क्या है, ब्राउन ट्यूमर। तो ये कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है जो कि आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ की हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में देखने को मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म मेनली दो कंडीशन से हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और जब भी सेकेंडरी कैल्शियम की कमी की वजह से होगा तो पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होगा, और वो पैराथायरॉइड हार्मोन ये तीन फंक्शन शो करता है। ये तीन फंक्शन जब भी फॉलो होंगे तो कैल्शियम वापस बैक टू नॉर्मल चला जाएगा, या बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल या सब नॉर्मल, जिसमें आपको ये स्पेसिफिक लेफ्ट फाइंडिंग दिखेगी। कैल्शियम की कमी की वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज होगा, जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज होगा तो एएलपी भी आपको इंक्रीज दिखेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्योंकि बोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजॉर्प्शन के बाद बोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फॉस्फेट आपको लो दिखेगा ब्लड के अंदर, क्योंकि कैल्शियम हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है जो कि आपको सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में दिखेगी, कैल्शियम लो या नॉर्मल दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म जो कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी की वजह से होती है, क्योंकि रीनल के अंदर रीनल का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक रीनल फंक्शन है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों ही फंक्शन किडनी के वो स्टॉप हो चुके हैं, ओनली एक ही फंक्शन चल रहा है, दैट इज बोन रिजॉर्प्शन। तो किडनी के जो दोनों ही फंक्शन स्टॉप हो चुके हैं, इसकी वजह से बोन का कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगा। जब कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगा तो हम पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो पोटेशियम की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा दिखेगी किसके अंदर, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के अंदर। अगर हम डिफरेंशिएट करें लेफ्ट फाइंडिंग प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में, प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में, फर्स्ट थिंग, इसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होगा, बहुत बहुत ज्यादा। मीन्स क्यों? क्योंकि पैराथायरॉइड के अंदर एडिनोमा है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये नहीं कि आपने पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट हुआ, उसने अपने फंक्शन करे रीनल के पास में, बोन के पास में, कैल्शियम वापस नॉर्मल हुआ, पैराथायरॉइड हार्मोन नॉर्मल हो जाएगा, नहीं। एडिनोमा की वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता रहेगा, उसको नॉर्मल करने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है। हम जब तक ट्यूमर की सर्जरी नहीं कर सकते या ट्यूमर को हम रोक नहीं लेंगे, जब तक हम ट्यूमर को रोक नहीं लेंगे तो पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करता जाएगा। अब जितना ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, जितना ज्यादा हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही हमें कैल्शियम के लेवल बहुत ज्यादा दिखेंगे बॉडी के अंदर, और जितना ज्यादा हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही कम हमें फॉस्फेट दिखेगा ब्लड के अंदर, और उतना ही हम अल्कलाइन फॉस्फेट को बढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्या डिफरेंशिएशन हुआ इन तीनों ही कंडीशंस में? फर्स्ट कंडीशन में पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज होता है, इसमें भी इंक्रीज होगा बट बहुत ज्यादा लेवल पे। सेकंड कंडीशन में दोनों ही जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में थे उनमें हमने ये चीज देखी थी कि कैल्शियम या तो नॉर्मल होगा या सब नॉर्मल होगा, बट इसमें कैल्शियम जो होगा वो इंक्रीज दिखेगा, इसमें कैल्शियम जो होगा वो इंक्रीज दिखेगा। थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन अप्रोक्सीमेटली सेम होगी दोनों में, बस हाँ थोड़ा बहुत लेवल का फर्क होगा। बट क्या है जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है तीनों के अंदर? सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म में फॉस्फेट जो होगा, अगर हम नॉर्मल की बात करें, दैट इज लो, बट अगर हम वहीं बात करें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में तो फॉस्फेट जो होगा वो ज्यादा होगा। और इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म से तो दोनों के अंदर कैल्शियम या तो नॉर्मल होगा या सब नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा या सब नॉर्मल होगा, मीन्स लो होगा, बट यहाँ पर कैल्शियम जो है जो कि प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से हो रहा है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये है आपका हाइपरथायरॉइडिज्म कंडीशन जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वजह से हो सकता है और कुछ कुछ कंडीशन की वजह से होता है। ये लेफ्ट फाइंडिंग्स आपको याद रखने जरूरी है, इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेनली नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो किस किस जगह जाके इफेक्ट डालता है, बॉडी के किस किस पार्ट में जाके इफेक्ट डालता है, जिससे और क्या क्या चीज इफेक्ट हो सकती है, कौन कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको आनी बहुत जरूरी है। ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म। थैंक यू।